देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आवास योजना जो गरीबों का हमने सपना साकार किया, हमारे मेहमान खसूसी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, शहर के सहकारी मंत्री भाई प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे इस पार्लियामेंट के एमपी भाई एमपी साहब और हमारे इस विधानसभा के युवा विधायक भाई चौहान जी, आदेश चौहान जी, विधायक भाई उमेश कुमार जी, रोटी के विधायक भाई कतरा जी और पूर्व विधायक और हमारे साथी हमारे कुंवर भाई चैंपियन साहब और इस देश की इस जिले के सभी अधारीगण साथियों भाई, आज महफिल में हाजिरी आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरे इलाके में जो बहुत छोटा सा कस्बा है, प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो मकान वहां गरीबों को दिए हैं जिनके ऊपर छत भी नहीं है और कुछ के छत नहीं है और कुछ है तो बहुत छोटी तादाद है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी और अपने मुख्यमंत्री जी का भी, क्योंकि इतने कम पैसे में इतनी कम लागत में जो है आज जो है आप इतने मकान के मालिक बनने जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी की योजना जो है बड़ी सफल है और इसको जो है लागू होती रहनी चाहिए। ऐसे गरीबों को जो हमारे देश के गरीब लोग हैं उनको इसकी मदद मिलती रहनी चाहिए। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ फिर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने मंगलौर छोटी ही विधानसभा में जहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं मकान देकर आवास देकर मकान देकर जो है उन्होंने सारे ने काम किया उसके लिए बधाई के पास हैं। धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं आप आमंत्रित कर रहा हूँ अपने हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और आपकी तरक्ता मेहनत को सब जानते हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक सर। यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी, प्रदेश के शहरी विकास और वित्त के कई विभागों के मंत्री ये भाई प्रेम अग्रवाल जी, इस क्षेत्र के बहुत ही जुजारू और लोकप्रिय विधायक और जिनके प्रयास के लिए अच्छा आयोजन हो रहा है भाई आदेश चौहान जी, हमारे रुड़की क्षेत्र के भी विधायक अभी पहुंचे हैं भाई बत्रा जी, हमारे विधायक खानपुर भाई श्री उमेश कुमार जी, विधायक मंगलोर भाई अंसारी जी, पूर्व विधायक आकुर प्रणव चैंपियन जी, पूर्व विधायक हमारे भाई श्री राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी और मंच पर उपस्थित सभी अधिकारी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए तोहफा भेजा है और उस तोहफे को लेकर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ लेकर आए हैं। मैं भी आपको बधाई देने के लिए यहाँ पर आया हूँ और ढेर सारी बधाई आपको देने का। आज हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण है और खुशी का दिन है कि जब देश के एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिसकी नजर गरीब के अंतिम छोर में बैठे रहने वाले व्यक्ति पर है, आपके पहले आपने सुना था कि कभी कोई प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ये बोल दे कि जब तक
देश की आजादी के 70-72 वर्षों में भी मेरी माँ और बहन ने भी खुले आसमान के नीचे शौच के लिए मजबूर हो रही है, तो तब तक मेरे देश को आजादी नहीं मिली है जब तक उनकी काम मैं पूरा नहीं कर दूंगा। अब बोला ही नहीं, किया हर घर में शौचालय दिया। मेरी माँ बहनों की कठिनाइयों को दूसरा बड़ा कदम उठाया था आपको मालूम है, जब उनको लगा कि अपने घर का खाना बनाते हुए उनके आंखें खराब हो जाती है धुएं से और तब उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, जवानी में ही मेरी माँ बहन बुजुर्ग हो जाती है, तमाम बीमारियों की शिकार हो जाती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा जब तक मैं अपनी उन माँ बहनों के उस समस्या का समाधान नहीं कर लूंगा, धुएं से उनको मुक्ति नहीं दिला दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लाभ उठाएंगे, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। इस प्रदेश में पहला प्रदेश हुआ जिसने आम व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता की है। भाइयों बहनों मैं सोचता हूँ कोरोना काल में ये छोटे बड़े थे चौराहे पर आए थे। आपको मालूम है चाहे श्रीलंका हो, मैं उन देशों का नाम नहीं लेना चाहता, भूख से चौराहे पर भय से कोरोना के समय, लेकिन चौरानवे 94%
दिन जाना आपको संदेश देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे मन की प्रेरणा जो विधानसभा है और आपके लगातार विधायक हैं और इस समय ये जितने भी है आवाज विकास में बहुत जिन्होंने इस प्रदेश की भावना और हमारे देश का नेतृत्व करते हुए
शिक्षा क्षेत्र में हमारा नेतृत्व किया, अनेकों दायित्व निभाता है। आज हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं परमाने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, आपका भी मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। हमारे रानीपुर के बहुत ही ऊर्जावान विधायक भाई आदेश चौहान जी, हमारे कानपुर के विधायक आदरणीय उमेश शर्मा जी, हमारे विधायक भाई संपत करीम अंसारी जी, कार्यक्रम में उपस्थित रुड़की के बहुत ही यशस्वी विधायक आदरणीय पत्नी भद्रा जी, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी, पूर्व विधायक सुरेश राघव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय जयपाल चौहान जी, महामंत्री विकास तिवारी जी, हमारे बीच उपस्थित भाई सुशील चौहान जी, ओम प्रकाश जन्मदिनी जी, सचिव रेवड़ा प्रकाश गुमका जी, यहाँ के जिलाधिकारी एमबीए के डीसी विनय शंकर पांडे जी, हमारे डीआईजी यहाँ का एसएसपी का प्रभार संभाल रहे योगेंद्र रावत जी, एसएस पांडे जी, अन्य तमाम हमारे अधिकारीगण, मेरी क्षेत्र से आई सम्मानित जनता पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए लगभग 32 परियोजनाएं स्वीकृत की थी और जिनके काम, जिनकी सोच एक ही मंत्र से पूरी, यदि मैं कहूं करनी हो तो एक ही शब्द हम बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये सोच लेके जो माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमारे को मूल मंत्र जिन्होंने दिया, आज उनके सपनों का साकार, उनके सपनों का साकार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ हो रहा है। भाई बहनों, जैसे यहाँ दुर्गा जी ने बताया, हमारे ओजस प्रधानमंत्री आवास योजना से 1152, लक्ष्मी प्रधानमंत्री से 768, मंगलोर प्रधानमंत्री आवास योजना से 544 यहाँ पे मकान बनाए जाने हैं। मैं समझता हूँ 2464 जो मकानों की लागत है, लगभग 173 करोड़ की लागत है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। भाई बहन, छोटी योजना नहीं है, मुझे याद है विधायक बनते बनते हम लोग आकर इस रूप में आपकी सेवा करने के लिए खड़े हैं। विधायक की जब बात आती थी, हमारे पास अनेक थे कि साहब हमारे पास अपना मकान नहीं है, हमारे पास अपनी छत नहीं है, हम कैसे गुजारा करें। लेकिन भाई बहन, देश का एक ऐसा मसीहा, एक ऐसा प्रधानमंत्री के रूप में हमारे बीच आया जिसने इस बात को पूरा किया और आज देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजनाओं से अनेकों मकान, हजारों लाखों मकान आज हमारे लोगों को मिल रहे हैं। उत्तराखंड की धरती पर भी आज इसकी शुरुआत हुई, इससे पहले भी हमारे यहाँ अनेकों योजनाएं हमारे यहाँ चल रही है और जिनका मुझे लगता है 15 अगस्त 2022 तक अनेकों मकान हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। जिस योजना का आज हम शिलान्यास कर रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है आने वाले 1.5 साल के अंदर ये मकान जनता को, उनको आश्रय के रूप में मिलेंगे ताकि जनता अपना आश्रय यहाँ पे बना सके, यहाँ पे रह सके। अभी भाई प्रदीप भद्रा जी एक बात कह रहे हैं, भाई प्रदीप भद्रा जी कह रहे हैं साहब इस जगह पे बन रहा है, यहाँ पे कनेक्टिविटी, यहाँ की स्थिति, मैंने इसे एक बात कही, मैंने जिस क्षेत्र में कोई परियोजना आती है आस पास के गांव के लोगों को मैं कह के जा रहा हूं, ये बात याद करना जब मैं आपके बाद आऊंगा, आस पास की जितने ही जमीन है उनके जमींदार ऐसे उठ लेगा, आने वाले जनता को उसका भी लाभ मिलेगा। भाई बहनों, ये हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में कोई परियोजना आती है आसपास की जनता जमा जमीनों में रेट भरते हैं, वहां के आसपास के क्षेत्र में जो लाभ है सारी जनता को मिलता है। आज अनेकों लोगों से रोजगार मिलेगा, अनेकों लोगों से लाभान्वित होंगे। भाई बहन, इसलिए मैं आज
अंतिम छोर पर बैठे आप जैसे अनेक लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है, ऐसे कैसे मैं दीनदयाल उपाध्याय जी को स्मरण करना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, याद करना चाहता हूँ। भाई बहनों, बहुत ज्यादा मैं बहुत हुए, मुझे अच्छा लगा जब यहाँ पर हम उसका एक लाभार्थी जब हमारे बीच में आया, उसने का साथ हमने बहुत सरकारें देखी और वो लाभार्थी कहता है कि पारदर्शी तरीके से मुझे इस योजना का लाभ मिला, इसके लिए मैं अपने विभाग के अधिकारियों का भी बहुत बहुत आभार करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी लाभार्थी भाई बहनों हैं उनको इस योजना का लाभ मिले। और इसीलिए जिस प्रकार से हम लोग यहां पर आए हैं, आप सब जानते हैं कि हमारे भारत सरकार के पोर्टल पर इसका पहले पंजीकरण होता है, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन विभाग ने वहां एक काउंटर लगाया है और मैं देख रहा हूं सैकड़ों लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। यानी कि पहले आप पंजीकरण करिए, फिर आप आवेदन करिए और उसके बाद आपको इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। ऐसी पारदर्शी सरकार ना आज से पहले आई थी और मुझे लगता है ये सरकार माननीय नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उसे पारदर्शी तरीके से सरकार काम करना चाहती है। भाई बहनों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सत्ता संभालते ही अनेक योजनाओं का लाभ दिया, चूंकि अपना बजट सत्र हमारे सामने है, बहुत सी बातें बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बजट हमारे सिर पर है, लेकिन एक बात कह सकता हूं जिसकी घोषणा आपने की है, आपने बहुत पहले कहा था कि हम अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को लाभ देंगे और जो योजनाएं हमारे यहां पर शुरू हो रही है उसमें गरीब लोगों को एक साल में 3 सिलेंडर फ्री में भरवाने का काम हमारी धामी सरकार ने किया है। इसलिए मैं धामी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहा हूं। भाई बहनों, यहां जिस प्रकार से ये बात सामने आई कि माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीता, सहयोग से मुझे जाने का मौका मिला चुनाव प्रचार में और मैं देखता हूं मैंने अनेक चुनाव लड़ाए हैं और लड़े हैं, लेकिन भाई बहनों ने पहला चुनाव देखा इस बार जब मैं चंपावत कनकपुर बनवासा इस क्षेत्र में घूम रहा था और यहां मेरे जितने नेता बने चाहे किसी पार्टी के होंगे माफी के साथ एक बात कह रहा हूं, चुनाव होते हैं, चुनाव हर पार्टी अपने दम से लड़ती है, लेकिन मुझे लगता है कि देश के अंदर ये इतिहास बनेगा और ये इतिहास टूटने वाला नहीं है, रिकॉर्ड टूटने वाला नहीं है। और मैं जब चुनाव प्रचार में जाता हुआ देखता था एक भी घर पर दूसरी पार्टी का प्रत्याशी का झंडा दिखाई नहीं दिया, ये प्रमाण है हमारे माननीय मुख्यमंत्री की लोकप्रियता का। 94% वोट पाना, मुझे लगता है कि जब हम आज तक परीक्षा परिणाम आ रहे हैं हम बच्चों से पूछते हैं कितने परसेंट मार्क्स आए, उन्हें सब 96% 96% 94% तो मैं एक ही बात कहता हूं जिसको 94% मिल गए, 93% मिल गए, 95% मिल गए, ये मान के चले आपको 100% मिल गए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपको तो 100% वोट जनता ने दिया है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई इस धरती से आपको ले रहा हूं और जो भी आपका अभिनंदन आपको स्वागत करिए, जो भी 94% रिकॉर्ड मुझे लगता नहीं आने वाले समय में यह टूटेगा। इसलिए भाई बहनों, आपके बारे में बधाई कहकर अपने वाणी को ग्राम दूंगा, जो आपका जीवन मेरा देखा बहुत संघर्षी मिल रहा है, आप युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रहे, 2 बार आप 3 बार विधायक हो गए, अनेकों आपने संघर्ष की गाथा लिखी है और आपके बारे में कह सकता हूं कि रहा संघर्ष की जो चलता है, रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जीती जंग सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आपका चमकने का समय है और आप हमारी जनता को इसी प्रकार से आशीर्वाद और इसी प्रकार से आप हमारे जनता को अपने किरणों रूपी तेज से जनता को लाभान्वित करने का काम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तमाम लाभार्थी बंधुओं को शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि आज निर्जला एकादशी का पर्व है, आप
को बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सबसे अनुरोध है जो पंजीकरण काउंटर पे लाभार्थी या पात्र है उनके लिए अनुरोध है, आप कोई काउंटर बाद में मदद करता रहेगा, प्लीज आप बैठ जाइए। आपकी इंतजार की कड़ी समाप्त करते हैं। आप सभी की दिलों की धड़कन, पूरे उत्तराखंड प्रदेश की जनता की दिलों की धड़कन, ऐसे युवा प्रदेश के मुझे आपके कार्यक्रमों का संचालन चुनाव से पहले भी सौभाग्य मिला था। आपका एक सबसे बड़ा जो आप कवितार्थ करते आ रहे हैं कि शिलान्यास करती है धामी सरकार और लोकार्पण भी धामी सरकार करती है, तो वास्तव में जो चरितार्थ ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी, युवा प्रदेश के ओजस्वी यशस्वी ऊर्जावाद मुख्यमंत्री जी, जो इतनी अच्छी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना सच्चा करने जा रही है, और माननीय प्रदेश के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिन्होंने थोड़ी सी समय में अपनी कर्मठता, अपनी कार्यशीलता, अपनी मेहनत से सब जनता का दर्द जीता है, तो तहे दिल से सादर आमंत्रित कर रहा हूं जो हम ऐसे यशस्वी ओजस्वी ऊर्जावान युवा प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सभी भाई बहनों को मैं
प्रधानमंत्री बने हैं। 2014 से देश के अंदर एक नया वर्ग कल्चर पैदा हुआ है, देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति आई है। आप देखिए देश के अंदर 2014 से पहले भी सरकार थी, उससे पहले भी सरकार थी, और आजादी का जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाते समय हम सबके स्मरण में एक बात रहनी चाहिए कि देश के अंदर किसी पार्टी का 55 वर्षों तक शासन रहा है और लगातार योजनाएं कौन सी बनी है, किस प्रकार की योजनाएं बनी और पिछले 8 सालों में किस प्रकार की योजना बनी है। पिछले 8 सालों में जो भी योजना बनी है वो योजना केवल और केवल गरीबों के लिए बनी है, योजना केवल और केवल समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए ऐसे लोगों के लिए बनी है जिनको उस योजना की आवश्यकता थी, उसकी जरूरत थी, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनके बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए। ये काम किसी और ने नहीं किया। भाइयों बहनों, ये प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे आज ये शहरी क्षेत्र की हो या ग्रामीण क्षेत्र की हो, अभी जिनके बारे में आदरणीय निशंक जी यहां पर बता रहे थे, आज देश के अंदर 9 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों के अंदर ज्यादा ऐसी माताओं बहनों के उनके आंख के आंसुओं को पोंछने का, उनके घरों पर धुओं को हटाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई योजना अगर चल रही है, सबसे बड़ी योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना चल रही है और 5 लाख रुपए तक की गारंटी देने का काम भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, एक के बाद अभी देखिए, आपने देखा होगा पिछले दिनों कोरोना महामारी जब पूरी दुनिया के अंदर आ गई और पूरी दुनिया के अंदर एक महामारी आ गई और हमारे देश के अंदर भी महामारी बहुत तेजी से फैली, लेकिन कोई काम कहीं रुका नहीं, कोई विकास का काम नहीं रुका। जब हम एक तरफ कहीं चीन के मोर्चे पर लड़ रहे हैं, कहीं पाकिस्तान के मोर्चे पर लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश के सारे विकास के काम तेजी से चलते रहे। ये केवल और केवल इसलिए संभव हुआ कि हमारे पास ऐसा दूरदर्शी नेतृत्व है, ऐसा नेतृत्व है जो आम जन की चिंता करता है और जिसने आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है, वो नेतृत्व हमारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। भाइयों बहनों, आप लोगों को एक डोज मुफ्त में लगाई गई, आपको एक डोज मुफ्त में लगाई गई। कुछ लोग महंगाई की बात करते हैं, उनके समय में महंगाई कहां थी, उनके समय में किस प्रकार से गरीबों का शोषण होता था, किस प्रकार से गरीबी को नहीं गरीबों को समाप्त करने का काम होता था, हम सब लोगों ने अच्छी तरह से देखा है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में एक वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, दूसरी वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई और तीसरी वैक्सीन भी बूस्टर डोज के रूप में मुफ्त में लगाई जा रही है। यहां पर जितने लोग बैठे होंगे, आप में से जितने लोग भी यहां बैठे होंगे जो बच्चे हैं उनको छोड़कर, मैं समझता हूं कि अधिकांश लोगों को वैक्सीन लगी होगी। जरा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। तो ये केवल और केवल हमारे पास जो करिश्मा ही नेतृत्व है उस नेतृत्व का कमाल है। भाइयों बहनों, कोई भूखा न रहे, किसी के घर का चूल्हा न मुरझे, हर किसी के घर में अन्न की कमी न हो, चाहे वो छोटे मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, तांगा चलाने वाला, फेरी चलाने वाला, छोटा व्यापार करने वाला, मजदूरी करने वाला, उसके घर का भी चूल्हा जलता रहे, वह भी भूखा न सोए, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और इस गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन देने का काम हुआ और हमारे उत्तराखंड के अंदर भी 60 लाख लोगों को सीधे सीधे इस योजना से लाभान्वित होने का मौका मिला है, इस योजना का लाभ मिला है और केवल लाभ ही नहीं मिला है,
भाइयों बहनों, इस योजना का लाभ अभी सितंबर माह तक इसको विस्तारित कर दिया गया है। सितंबर माह तक ये योजना चलेगी। इस प्रकार से हर गरीब की चिंता हो रही है। और अब कोई क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे हमारे प्रशासन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में एक वर्क कल्चर आ गया है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आप शुरू पाए जाएंगे। भाई बहनों, जहां एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, हर गरीब की चिंता हो रही है, लगातार हम अपने संकल्पों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम एक सपने के समान समझते थे, क्या है आज देश के अंदर धारा 370 समाप्त करने की बात हो, या अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनने की बात हो, या भव्य काशी दिव्य काशी बनने की बात हो, या हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर चार धाम की सड़कें हो, ऑल वेदर सड़कें हो, इसके साथ साथ भारत माला की सड़कें हो, एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने का काम हो रहा है। आप सब लोग यहीं से देखिए, आप चाहे देहरादून जाना हो, चाहे आपको ऊधम सिंह नगर जाना हो, या आपको दिल्ली जाना हो, सारी सड़कें किस प्रकार से पहले कैसी हुआ करती थी और आज किस प्रकार से उनका विस्तार हो रहा है, किस प्रकार से वो हॉटपिक हो रही है, किस प्रकार से चौड़ी हो रही है। भाई बहनों, केदार बाबा का जो प्रांगण था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। आज केदार बाबा का प्रांगण भी पुनर्निर्माण के रूप में भव्य और दिव्य किनार के रूप में लगातार बनता जा रहा है। बद्रीनाथ धाम का भी पुनर्निर्माण हो रहा है। हमारे यहाँ पर चाहे मेडिकल कॉलेज आपके क्षेत्र में बन रहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है। आदरणीय मिशन जी ने बड़ा प्रयास किया कि आपके क्षेत्र में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बने और आज यहाँ पर जगदीशपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। ऐसे अनेकों कार्य प्रत्येक जिले में, चाहे स्वास्थ्य की सेवाएं हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज हमारा उत्तराखंड भी आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमने भी चुनाव से पहले आज यहाँ हमारे गरीब परिवारों के लिए 2,464 मकानों का जो शिलान्यास हमने किया है, मैं इस अवसर पर आप सबको बताना चाहता हूं कि हमने चुनाव से पहले घोषणा की थी, एक संकल्प लिया था कि हम जो हमारे गरीब परिवार है, उन गरीब परिवारों के लिए एक साल के अंदर 3 सिलेंडर मुफ्त में भरवाकर हमारी सरकार देगी। भाइयों बहनों, हमने उसका शासनादेश कर दिया है, उसके लिए हमने बजट की व्यवस्था भी कर दी है। अब हमारी ये योजना भी आप सबके लिए जो है, जल्दी हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। हमने जितने संकल्प लिए हैं, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करेंगे। उसके लिए हमने 1064 एक हमने नंबर जारी किया हुआ है। अगर आप सबको भी कहीं लगे, किसी भी कार्यालय पर अगर आपके कोई काम करने में कोई रिश्वत मांगता है, किसी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, आप उस नंबर पर अपना डायल कर देंगे और आप जैसे ही डायल करेंगे सीधे वहां पर विजिलेंस के द्वारा सीधे उसको अपने सर्विलांस में ले लिया जाएगा और सर्विलांस में लेने के बाद उस पर त्वरित गति से कार्रवाई होगी। और इसके साथ साथ ऐसा भी नहीं होगा कि कहीं आप सोचेंगे आपने शिकायत करी है और शिकायत करने पर आपका नाम बता दिया जाएगा, आपका नाम भी शिकायत करने वाले का नाम भी नहीं बताया जाएगा, उस नाम को भी गोपनीय रखा जाएगा। भाइयों बहनों, हमारा केवल एक उद्देश्य है कि आप किस प्रकार से मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर देखिए, आप जो विदेशों में रहने वाले हैं वो भी कहते हैं, भले वो हमारी विचारधारा को न मानते हो, किसी दूसरी पार्टी के जो है सपोर्टर हो, वोटर हो, लेकिन वो भी कहते हैं हम भारतवर्ष के हैं, हम उस देश के हैं जहां के मोदी जी प्रधानमंत्री है। पहले भी देश के प्रधानमंत्री दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे, आज पूरा विश्व जिसके नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है, चाहे आज सेना का क्षेत्र हो, सेना के क्षेत्रों में आप देखते थे पहले कहीं जो सैनिक हमारे सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा में तैनात रहते थे, उनके ऊपर अगर गोली चलती थी तो उनको पूछना पड़ता था गोली चलाएं कि नहीं चलाएं, गोली चलाने के लिए उनको आदेश लेना पड़ता था। भाइयों बहनों, आज आदेश नहीं लेना पड़ता, गोली चलती है तो
शुभकामनाएं देता हूं, और जिनके पास अभी मकान नहीं मिल पाए हैं वो भी अपना आवेदन कर सकते हैं। अपना आवेदन करेंगे तो अभी कोई ये बंद नहीं हुआ, ये लगातार चलने वाला काम है। और इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि देश के प्रत्येक गरीब भाई बहन को मकान मिलना चाहिए, उस दिशा में लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों के द्वारा माह दिसंबर 2021 में 2424 TWS आवासीय भवनों का शिलान्यास कर इस योजना का शुभारंभ हुआ था, जिस पर अभी निर्माण कार्य गतिमान है। हमारे देश व प्रदेश की माताएं बहने जिनके पास रहने की छत नहीं थी, किसी को पुल के नीचे, किसी को सड़क के किनारे, किसी को रेलवे स्टेशन पर, किसी को बस अड्डे पर, झुग्गी झोपड़ियों पर परिवार सहित अपनी रातें गुजारनी पड़ती थी। उनके दुख दर्द को देखकर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई, और इस योजना से प्रत्येक जो गरीब है, निर्धन है, निराश्रित है, उन परिवारों को छत उपलब्ध कराकर उनके आंसुओं को पूछने का जो परोपकारी कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, मैं हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, जो निर्धन माताएं एवं बहने हैं उनको ध्यान में रखते हुए आवास आवंटन में भी जो हमारी मातृशक्ति है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि किसी घर में माता बहन आवास की हकदार है और उनके नाम ही आवास आवंटित किया जाएगा, या पुरुष में से कोई सदस्य हो तो महिला या पुरुष दोनों को एक संयुक्त नाम से भी आवंटन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति के उपरांत 32 परियोजनाओं में से जिनमें कुल 22,440 आवास बनाए जाने का निर्णय किया जा रहा है, उस पर काम तेजी से चल रहा है। अभी हमने एक फेज में आज यहाँ शिलान्यास किया है, अगले फेज में हम फिर शिलान्यास करने वाले हैं, अंतिम दिनों में भी हम इस योजना का शिलान्यास करने वाले हैं। 464 आवास देहरादून जनपद के लाभार्थियों को भी अभी तक उपलब्ध कराए जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा 16 परियोजनाएं जिनमें 16,320 आवासीय इकाइयां गत माह अगस्त 2022 से पूर्व इन सभी को आरंभ किया जाएगा। हमारा संकल्प है कि 2024 तक समस्त आवासों का कार्य शुरू कर जो भी हमारे लाभार्थी भाई बहन सभी को यह हस्तांतरित कर दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी समयबद्ध एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रक्रिया के तहत एकल आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति प्रक्रिया जो पहले काफी जटिल थी, जिसके बारे में अभी आपने जो हमारे शर्मा आए थे उन्होंने यहां से बताया भी कि उनको अब कहीं भागना नहीं पड़ रहा है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। उस प्रक्रिया जो काफी जटिल होती थी उसका भी सरलीकरण किया गया है। जो हमारी सरकार का एक मूल मंत्र है सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा विकल्प सही संकल्प के उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मुद्रा योजना, मातृवंदना योजना,